तो बाबूलोग मिर्जापुर सीजन 3 का बोनस एपिसोड आ चुका है। और नहीं मतलब तुमने क्या सोचा था कि इस एपिसोड्स में क्या दिख जाएगा हमें, मतलब क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मिल जाएगी? मुन्ना की वापसी है और मुन्ना की वापसी किस अंदाज में होगी भाई? सही बताऊं जैसी झंड फक्काड़ चीज इन लोगों ने रखी है इस एपिसोड में। मतलब डिलीटेड सीन्स को दिखाया जा रहा है जो लिटरली मिर्जापुर सीजन 3 से भी ज्यादा चूतिया पाए। देखो मैं मेकर्स की दुखती रख समझ सकता हूं, मिर्जापुर सीजन 3 को उतना प्यार नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, और मुन्ना भैया की कमी सभी को खली है डेफिनेटली। लेकिन भाई हम इंसान है, हमारी भावनाओं के साथ ऐसे तो मत खेलो। मुन्ना को एज होस्ट बिठा रखा है और वो डिलीटेड सीन्स को काउंट करा रहा है, उस पर वॉइस ओवरिंग कर रहा है अपने मिर्जापुर अंदाज में, बाहुबली अंदाज में उनमें वॉइस ओवरिंग और पंचेस मार रहा है। भाई ये क्या है, ये क्या भाई नेरा चूतिया पाए कसम से। मुझे लगा कुछ सॉलिड कमबैक देंगे, लाइक मुन्ना फिर से जिंदा होगा या फिर कुछ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज, कुछ भी हो सकता है। स्टोरी लाइन में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, नोबडी नोज बिहाइंड द सीन कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस हमें 3 गोली लगते हुए दिखी एंड कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो सकती थी। लेकिन डिलीटेड सीन्स में कौन टालता है भाई, और कुछ खास नहीं है डिलीटेड सीन्स भी। बस हाँ थोड़ा सा रदिया वाला पार्ट बढ़िया था और वो छोटे त्यागी वाला भी पार्ट बढ़िया था, क्योंकि उसमें जो वॉइस ओवरिंग करी है मुन्ना ने अपने अंदाज में करी है, लाइक मिर्जापुर बाहुबली अंदाज में, लाइक रदिया को वाला जब पार्ट आया कि भाई रदिया बहुत उछल रही है, हमने तो बहुत पेला था इस टाइप में, तो वो सब बढ़िया था। बाकी एक वो पार्ट भी बढ़िया लगा जब स्टार्टिंग सीन में गोलू और वो चचा भतीजे के बीच में सुलह कराने जाती है, तो बंदा गोलू के ऊपर कंटाप अंदाज में लाइन मार रहा था, और वो भी था बढ़िया ही था। बाकी जरीना बेगम का डिलीटेड सीन है, गुड्डू पंडित का वो घर में रियूनियन वाला सीन डिलीटेड सीन है, और वो शरद शुक्ला और माधुरी का डिप्लोमेसी सीन है जहां मुन्ना शरद को गाली भी दे रहा है कि साला मेरी ही माल को सेट कर रहा है, तो ठीक था वो भी एक बार के लिए। हाँ तो ठीक है भाई, मन करे तो देखना, ना भी देखोगे तब भी ऐसा कुछ नहीं कि मिर्जापुर सीजन 4 में आपको मजा नहीं आएगा या फिर ऐसी कोई कड़ी छूट जाएगी कि मिर्जापुर कनेक्शन से हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। बस मुन्ना के नाम पर मिर्जापुर सीरीज के लिए सिंपथी मांगी जा रही है और कुछ नहीं, बस जो भाई मजा नहीं आया है। इतनी बड़ी वेब सीरीज और उसे एक करेक्टर के दम पर, उसे एक करेक्टर के बेस पर सिंपथी मांग रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ट्रस्ट बना रहे हैं, तो मुझे सीजन 4 से भी ट्रस्ट थोड़ा घटते नजर आ रहा है कि इनके पास कोई सॉलिड माल नहीं है, अब इनके पास कोई सॉलिड कंटेंट नहीं है, जिस वजह से इन्हें मुन्ना का सहारा लेना पड़ रहा है। देखो भाई मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।